गाइज वेलकम टू बी बैंकर स्वागत है आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास तो आज की क्लास क्या होने वाली है आज की क्लास होने वाली है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में वर्तमान की अंग्रेजी प्रेजेंट होती है प्रेजेंट में किसी काम को पूरा करने या उसके पूरा होने की संपूर्ण अंग्रेजी यानी कि ऐसा कोई काम जो पूरा किया है आपने या पूरा हो गया है उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे इसके बारे में आज हम लोग क्लास करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त बेलाइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए और साथ ही साथ हमारी पेड कोर्सेस फ्री कोर्सेस को जानने के लिए पाने के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी आप ऐसा कोई वाक्य कह रहे हैं या आप, मतलब बोल चाल में आप ऐसा कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये आभास कराता है कि कोई काम पूरा हो रहा है आपने पूरा किया है पूरा हो गया है तो उसका ना स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है तो मैंने क्या किया है मैंने लिया है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और उसको फिट बिठा दिया है एक सर्टन नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे एक लिखा हुआ है पर सब्जेक्ट जो है आपको लेफ्ट साइड के लिस्ट में दिख रहे हैं चार यानी कि आई यू वी और दे ये चारों के साथ ये एकमात्र एक ही स्ट्रक्चर जो है वो बखूबी काम कर जाएगा ये है ब्यूटी इस स्ट्रक्चर की कि चाहे आपको आई के साथ इस्तेमाल करना हो चाहे तो यू के साथ इस्तेमाल करना हो चाहे वी के साथ इस्तेमाल करना हो या चाहे हो आपको दे के साथ इस्तेमाल करना आपको बस दो चीजें याद रखनी है दैट इज कि इन चारों के साथ लग जाएगा और साथ में लग जाएगा वी थ्री यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब गो वेंट गॉन ये गॉन जो है वो verb का तीसरा फॉर्म है गो यानी कि पहला फॉर्म वी वन वेंट यानी कि दूसरा फॉर्म वी टू और गॉन यानी कि तीसरा फॉर्म वी थ्री तो ये एग्जाम्पल है गो वर्ब का ठीक है इसी के तरीके से वी थ्री जो होगा वो लगेगा तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा आई प्लस हाफ प्लस वी थ्री यू प्लस हाफ प्लस वी थ्री वी प्लस हाफ प्लस वी थ्री दे प्लस हाफ प्लस वी थ्री तो चलिए क्यों ना इसका यूज को भी देख लिया जाए जैसे मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है कोई काम पूरा हो चुका है या पूरा कर लिया है है ना मैं पढ़ चुका हूँ मैंने पढ़ लिया है आई हैव स्टडीड आपको दिख गया यहाँ पे मैं था तो आई हो गया हैव और स्टडी स्टडीड जो है वो स्टडी का V3 है तो आई हैव स्टडीड मैं पढ़ चुका हूँ मैंने पढ़ लिया है आई हैव स्टडीड तो आपको दिखेगा क्या आपको स्ट्रक्चर तो पता चल गया आपको एग्जाम्पल भी हमने देख लिया लेकिन हिंदी वाक्य में ऐसा क्या दिख जाए कि जिससे आप ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पर यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा जैसे आपको जब भी हिंदी वाक्य के अंत में दिखे चुका हूं चुके हैं चुके हो या, या हूँ या है ये है ये दिख जाए तो आपको वहां पर किसका इस्तेमाल करना है आपको इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको बताया आई यू वी दे प्लस हैव प्लस वी थ्री चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं बेहतर समझने के लिए तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है तुम खा चुके हो या तुमने खा लिया है यहाँ पर यू के साथ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि तुम आप तू तु। इन तीनों का अनुवाद होता है अंग्रेज़ी में यू तुम खा चुके हो तुमने खा लिया है यू हैव इ टेन ईट का वी थ्री ई टेन यू हैव इ टेन आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जा चुके हैं हम लोग यानी कि वी हम लोग जा चुके हैं वी हैव गॉन वी हैव गॉन वे लोग काम कर चुके हैं या उन लोगों ने काम कर लिया है वे लोग काम कर चुके हैं या उन लोगों ने काम कर लिया है वे लोग या उन लोग तो यहाँ इस्तेमाल होगा दे दे हैव हाँ हैव दे हाँ वर्कड बढ़ते ही आगे अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि एक सेट ऑफ जो हमारे पास सब्जेक्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए दैट इज आई यू वी और दे की बात तो हो गई अब बात अब बचा हुआ है ही शी इट और कोई भी नाम लड़की लड़का दोनों का नाम ठीक है तो इनके साथ क्या स्ट्रक्चर लग जाएगा भाई तो स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ साफ आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है दैट इज हैज प्लस वी क्यों भाई क्योंकि ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं का इस्तेमाल करते हैं तो क्या लग जाएगा प्लस वी थ्री यानी कि के जगह पर अगर है आपके पास ही तो भी लगेगा तो इट तो भी नाम तो भी जैसे ही प्लस हैज प्लस वी थ्री शी प्लस हैज प्लस वी थ्री इट प्लस हैज़ प्लस वी थ्री और कोई भी नाम प्लस हैज़ प्लस वी थ्री ये लगने वाला है ये बात हो गई समझ आपको आ गई अब क्या दिखेगा वाक्य के अंत में जिसको देख करके आप जो है कंफर्म हो जाएं कि हाँ भाई चलो यहाँ पर यही लगने वाला है तो आपको अगर वाक्य के अंत में दिख जाए चुकी है या चुका है या फिर या है ये है तो आपको इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर का चलिए उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए जैसे वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है हो जाएगा ही हैज स्टडीड यहां पर वह या उसने इन दोनों के लिए जो है ही का इस्तेमाल हो जाएगा तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर लड़के की बात हो रही है अगर लड़की की बात होती तो शी लग जाता बस इतना ही फर्क आता इसमें ठीक है वह पढ़ चुका है या उसने पढ़ लिया है ही हैज़ स्टडीड तो हैज़ लग गया और स्टडी का v3 क्या होता है स्टडीड ही हैज़ स्टडीड आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं शी की यानी कि वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है क्या हो जाएगा साफ है कि लड़की की बात हो रही है तो शी का इस्तेमाल होगा होगा ना शी का इस्तेमाल शी हैज कुक्ड क्या हो जाएगा शी हैज कुक्ड बढ़ते हैं आगे राजू पढ़ चुका है या राजू ने पढ़ लिया है राजू पढ़ चुका है राजू ने पढ़ लिया है तो क्या इस्तेमाल होगा राजू हैज़ स्टडीड राजू हैज़ स्टडीड रानी लिख चुकी है या रानी ने लिख लिया है रानी लिख चुकी है या रानी ने लिख लिया है रानी हैज़ रिटन है रानी, रानी हैज़ है रिटन यह सीख चुका है या इसने सीख लिया है यह है और इसने है मतलब इट का इस्तेमाल होगा यह सीख चुका है या इसने सीख लिया है तो इस्तेमाल हो जाएगा इट हैज लर्ट लर्न का क्या होता है It has अब बढ़ते हैं आगे हमेशा आप सिंपल सिंपल नॉर्मल नॉर्मल बात करेंगे ये जरूरी तो नहीं है कई बार हम लोग नेगेटिव वाक्यों का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में तो उन वाक्यों के लिए क्या इस्तेमाल होगा और कैसे काम करेगा तो भाई वही चीज हो जाएगी स्ट्रक्चर विल बी लगभग सेम फर्क आ रहा है यहाँ पर कि हैव के साथ नॉट भी लग गया है जब भी मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव वाक्यों की बात अब मैं करने वाली हूं तो आप ये उम्मीद करके चलें कि नो no, नॉट ये आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर है हैव नॉट प्लस वी थ्री यानी कि चाहे आई हो यू हो वी हो या दे हो इन सब के साथ क्या लगेगा नेगेटिव वाक्य में हैव नॉट प्लस वी वाक्य में क्या दिखना चाहिए आपको वाक्य में या हूं या है ये है आ है ये तो दिखेगा ही लेकिन इसके पहले जो चीज आपको दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए नहीं मतलब दिखनी चाहिए लेकिन शब्द जो है वो क्या दिखेगा नहीं ठीक है नहीं दिखनी चाहिए वैसा नहीं देखना तो आपको है ही है ना लेकिन शब्द कौन सा देखना है आपको देखना है नहीं नहीं या हूँ नहीं या है नहीं ये है नहीं आ है और ये जो ब्लैंक है हमेशा बताती हूँ ब्लैंक में एक्चुअल वाक्य का मैटर आता है जैसे मैंने नहीं पढ़ा है आई हैव नॉट स्टडीड मैंने नहीं पढ़ा है आई हैव नॉट स्टडीड अब बताइए अगर यहां पर आपको मैं बता दूं कि नॉट को हटा दीजिए तो क्या बचेगा आई हैव स्टडीड ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो नॉट हटेगा तो नहीं हट जाएगा राइट right? हट जाएगा ना तो अभी यहाँ पर नहीं ऐड हो रहा है तो नॉट भी तो ऐड होगा मैंने नहीं पढ़ा है आई हैव नॉट स्टडीड तुमने नहीं खाया है यू हैव नॉट ईटन तुमने नहीं खाया है यू हैव नॉट ईटन हम लोगों ने नहीं खाया है वी हैव नॉट ईटन हम लोगों ने नहीं खाया है वी हैव नॉट ईटन उन लोगों ने काम नहीं किया है दे हैव नॉट worked. उन लोगों ने काम नहीं किया है दे हैव नॉट worked. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स की जो कि है ही शी इट और कोई भी नाम इसके साथ क्या होगा भाई वही होगा जो हैव के साथ हुआ हैज है ना तो हैज के साथ नॉट लग जाएगा ही हैज नॉट वी थ्री शी हैज नॉट वी थ्री इट हैज नॉट वी थ्री और कोई भी नाम के साथ हैज नॉट प्लस वी थ्री क्या दिखेगा वाक्य के अंत में नहीं या है नहीं यी है ये दिख जाएगा आपको वाक्य के अंत में क्लियर हो गई बात उसने नहीं खाया है ही हैज नॉट ईटन उसने नहीं खाया है ही हैज नॉट ईटन उसने खाना नहीं बनाया है शी हैज़ नॉट कुक्ड उसने खाना नहीं बनाया है शी हैज़ नॉट कुक्ड राजू ने पढ़ाई नहीं की है राजू हैज़ नॉट स्टडीड राजू ने पढ़ाई नहीं की है राजू हैज़ नॉट स्टडीड रानी ने पढ़ाई नहीं की है रानी हैज़ नॉट स्टडीड रानी ने पढ़ाई नहीं की है रानी हैज नॉट स्टडीड इसने नहीं खाया है इट हैज नॉट ईटन इसने नहीं खाया है इट हैज नॉट ईटन तो अब हमने नॉर्मल वाक्यों को देख लिया हमने वाक्यों को देख लिया बचा कौन बचा सवाल यानी कि interrogative. सबसे इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट क्योंकि सवाल पूछना किसको नहीं पसंद इंटरोगेटिव शब्द भी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्यों में हम लोग लाइन्स इस्तेमाल करते हैं यानी कि सवाल पूछना तो हम अभिन्न अंग है बातचीत का है ना तो जब सवाल आपको पूछना हो ऐसे किसी चीज का जो काम क्या पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में वर्तमान में कोई काम पूरा होने या कोई काम पूरा हो चुका है उसके बारे में जब बात करें तब को हम लोग पढ़ रहे हैं राइट तो सवाल कैसे पूछेंगे सवाल के लिए स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने हैव प्लस या तो आई या तो यू या तो वी या तो दे साथ में वी थ्री ठीक है कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ध्यान से देखिए अभी आई यू वी दे जो है वो बीच में आ गया हैव कहाँ है स्टार्टिंग में आ गया यानी कि अगर आई है तो भी यही स्ट्रक्चर रहेगा यू है तो भी वी है तो भी दे है तो भी हैव वी थ्री हैव यू वी थ्री हैव वी वी थ्री और हैव दे वी थ्री ऐसे ही ये इस्तेमाल हो जाएगा वाक्य के अंत में क्या दिखेगा भाई क्या चुका हूं क्या चुके हैं क्या <tom> चुके हो या तो ये दिखेगा या फिर दिखेगा क्या या हूँ क्या या है क्या ये है ये दिख जाएगा जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूँ या क्या मैंने पढ़ लिया है हैव आई स्टडीड क्या मैं पढ़ चुका हूँ क्या मैंने पढ़ लिया है हैव आई स्टडीड क्या तुम खा चुके हो क्या तुमने खा लिया है हैव यू ईटन क्या तुम खा चुके हो क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन क्या हम जा चुके हैं? हैव वी गॉन क्या वे लोग काम कर चुके हैं या क्या उन लोगों ने काम कर लिया है हैव दे वर्कड हैव दे वर्कड ये हो गई एक सेट ऑफ शब्दों की बात अब बात बारी आती है दूसरे सेट ऑफ शब्दों की बात दैट इज हैज प्लस ही प्लस वी थ्री हैज प्लस वी थ्री हैज प्लस इट प्लस वी थ्री हैज प्लस कोई भी नाम प्लस वी थ्री यहां पर देखिए क्या हुआ इसके पहले वाले में हैव आगे आ गया, गया और क्योंकि इन शब्दों के साथ हैज इस्तेमाल होता है तो हैज पहले आ गया कोई समस्या वाली बात नहीं है चलिए क्या दिखेगा वाक्य के अंत में क्या चुकी है क्या चुका है या फिर क्या या है क्या ये है ये दिख जाएगा तो आपको इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर का जैसे क्या वह पढ़ चुका है या क्या उसने पढ़ लिया है हैज ही स्टडीड क्या वह पढ़ चुका है या क्या उसने पढ़ लिया है हैज ही स्टडीड क्या वह खाना बना चुकी है या क्या उसने खाना बना लिया है हैज शी कुक्ड क्या वह खाना बना चुकी है या क्या उसने खाना बना लिया है क्या राजू पढ़ चुका है या क्या राजू ने पढ़ लिया है? हैज राजू स्टडीड क्या राजू पढ़ चुका है क्या राजू ने पढ़ लिया है? हैज राजू स्टडीड क्या रानी लिख चुकी है या क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन क्या रानी लिख चुकी है या क्या रानी ने लिख लिया है? हैज रानी रिटन क्या यह सीख चुका है या क्या इसने सीख लिया है हैज इट लर्नट क्या यह सीख चुका है क्या इसने सीख लिया है हैज इट लर्नड तो ये थी भाई आज की क्लास उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई आपको ये सारे के सारे वाक्य पसंद आए क्योंकि ये जो सारे वाक्य मैंने आपको कराया ये लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बहुत अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये ना वर्तमान में होते हैं और वर्तमान में ऐसे किसी भी काम को पूरा करने या पूरा होने की जो अंग्रेजी है वो आपको जानना ही चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा बात तो वर्तमान में ही करते हैं ना हम लोग तो आपको इन सारे वाक्यों को भी पता होना चाहिए इनकी अंग्रेजी भी पता होनी चाहिए इनका इंटरोगेटिव इनका नेगेटिव इनका जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो वही सब आपको पता होना चाहिए मैंने आपको सब करा दिया तो भाई कैसी लगी क्लास अब आप भी कुछ करिए और बताइए कैसी लगी क्लास उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी क्लास पसंद आई है क्लास को करिए लाइक करिए शेयर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए इसके साथ ही कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी इसके साथ ही टेलीग्राम पर ज़रूर आ जाएं ताकि वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज जो हैं वो मिल पाए उसकी ई बुक की एक्सेसिबिलिटी भी मिल पाए चाहे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो तो उसको कैसे कल आना है आपको टेलीग्राम पर आपको लिखना है बी बैंकर और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से सबसे पहला सर्च मिलेगा तेरह हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो घबराइए नहीं वही एक्चुअल चैनल है उसके नीचे कई भाई साहब लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे ही पता नहीं चैनल खोल के रखा हुआ है तो भाई वो चैनल नहीं है प्रीति मैम का बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ है जिसमें तेरह हजार से ज्यादा मेंबर्स हैं उसी चैनल पर आना है आपको ताकि आपको जो है बेनिफिट हो पाए जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस चैनल पर ही लैंड होंगे इस पेज पर लैंड होंगे ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के जरिए भी यही पहुंचेंगे और यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों किताबों की अपडेट लेनी हो या किसी भी पेड कोर्स में ज्वाइन करना हो जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स इनमें से कोई भी कोर्स करना हो या आपको फ्री कोर्स ही क्यों ना करना हो तो आपको पता तो करना पड़ेगा ना कि कोर्स कैसे मिल सकती है आपको इसके लिए टेलीग्राम पर मैसेज करिए कि मैम मुझे फ्री कोर्स चाहिए मैम मुझे पेड कोर्स में एडमिशन लेनी है तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे जानकारी मिलने में बारह से अड़तालीस घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा क्लियर हो गई बात सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर इम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर